चलिए तो सीमेंट हमारा खत्म। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, लाइम, चूना। सब लोग लाइम देखे होंगे, चूना देखे होंगे, ठीक। तो अब हम लोग चूना के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में चूना हमारा होता क्या है। तो चूना हमारा क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल है। जैसे सीमेंट हमारा क्या था, एक बंधक पदार्थ था, उसी तरीके से चूना भी हमारा क्या है, बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक। जो किसका काम करता है, बंधक का काम करता है। चाहे हम मोर्टार बना रहे हो, चाहे कंक्रीट बना रहे हो, उसमें इस किसका काम करता है, बंधक का काम करता है। चूने का उपयोग हम कहां कहां पे करते हैं, तो चूने का उपयोग हम ब्रिक मेसनरी में करते हैं, माने ईंट जोड़ाइयों में, स्टोन मेसनरी में, प्लास्टरिंग में, उसके साथ साथ लीन कंक्रीट बना रहे हैं वहां पे, और व्हाइट वॉशिंग, चूना पोताई के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सीमेंट का उपयोग करते हैं। तो किस किस चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं, ब्रिक मेसनरी, प्लास्टर, व्हाइट वॉशिंग और कंक्रीटिंग के लिए हम क्या करते हैं, अपने लाइम का उपयोग में लाते हैं। तो अब बात ये आती है कि लाइम हम बनाते कैसे हैं, मिलता कैसा है। तो लाइम बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, चूना पत्थर, लाइम स्टोन का उपयोग करते हैं। तो लाइम बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लाइम स्टोन, ठीक। लाइम स्टोन का हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन, निस्तापन करते हैं, ठीक। लाइम स्टोन का हम क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। कितने टेम्परेचर पे, 816 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। जब निस्तापन करते हैं तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बचता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा उड़ जाता है, और जो ये CO बनता है ये हमारा क्या कहलाता है, लाइम कहलाता है, ठीक। अब इस चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं, ये तो हमने रफली समझा दिया। तो हम क्या करते हैं, लाइम स्टोन को लाते हैं, ठीक। लाइम स्टोन को लाके हम क्या करते हैं, उसका निस्तापन करते हैं, मतलब 816 डिग्री सेंटीग्रेड पे निस्तापन, निस्तापन 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 बार बार आ रहा है। होता क्या है निस्तापन, निस्तापन का मतलब ये होता है कि किसी भी मटेरियल को लाके खुले एटमॉस्फेयर में, मतलब वायु में, उसको जलाना उच्च ताप पे, हमारा क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है, ठीक। किसी भी मटेरियल को वायु में रख के उच्च ताप पे जलाना क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। तो यहां हम क्या लाते हैं, चूना पत्थर लाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन, इसका क्या करते हैं हम लोग 816 डिग्री सेंटीग्रेड पे निस्तापन करते हैं, ठीक। तो यहां हमको क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उड़ जाता है, और यही हमारा क्या कहलाता है, प्योर लाइम, ठीक। अब इस प्योर लाइम का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो समझ में आया कि कैसे हमारा लाइम मिलता है, चूना मिलता है। तो चूना पत्थर को लाके भट्ठे में 816 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, निस्तापन करते हैं, और निस्तापन करने के बाद से जो उसमें नमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसमें से रिमूव हो जाता है, और रिमूव होने के बाद से जो हमारा मटेरियल बचता है वो मटेरियल हमारा क्या कहलाता है, चूना कहलाता है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो क्लियर है बात, समझ में आई बात कि चूना क्या होता है, कैसे चूना मिलता है, चूना का उपयोग कहाँ करते हैं, ब्रिक मेसनरी के लिए, प्लास्टर के लिए, स्टोन मेसनरी के लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए, फ्लोरिंग के लिए, इन इन चीजों के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अपने लाइम का उपयोग करते हैं। पहले जमाने में जब सीमेंट नहीं था तो उस टाइम हम लाइम को ही एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज करते थे। जैसे जैसे सीमेंट की प्रचलन बढ़ी, वैसे वैसे लाइम का क्या हुआ, प्रचलन हमारा क्या होते गया, कम होते गया, ठीक। क्लियर है बात, लाइम, लाइम आप लोगों को समझ में आ गया कैसे मिल रहा है। चूना पत्थर को 816 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट में वो करने पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और नमी होता है उसमें से रिमूव हो जाता है, जो बचता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्योर लाइम कहलाता है,
तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि प्योर लाइम का मतलब चूना क्या होता है, कैसे चूना हमको क्या होता है मिलता है। क्लियर है बात? चलिए अगला टॉपिक है टाइप ऑफ लाइम। लाइम हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ लाइम क्या क्या होता है। तो पहला हम लोग का होता है प्योर फैट और वाइट लाइम, ठीक। दूसरा हम लोग का क्या होता है इम्प्योर लाइम। अब तीसरा होता है हाइड्रोलिक लाइम, ठीक। पहला हमारा क्या है प्योर फैट और व्हाइट लाइम, ठीक। हिंदी में कहेंगे इसको शुद्ध चूना, अशुद्ध चूना और जलीय चूना। पहला हमारा क्या है शुद्ध चूना, दूसरा अशुद्ध चूना और तीसरा हमारा क्या है जलीय चूना। तो हम व्हाइट लाइम किसको कहेंगे, जब हमारे लाइम में 95% टू 97% क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक। तो उस चूने को हम क्या कहेंगे व्हाइट सॉरी शुद्ध चूना कहेंगे। जब हमारे चूने में 95% टू 97% हमारा क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो उस चूने को हम लोग कौन सा चूना कहते हैं शुद्ध चूना कहते हैं। देन हमारा आता है अशुद्ध चूना, जब इसमें 5% से ज्यादा क्या होगी अशुद्धियां होंगी, तब उस चूने को हम लोग क्या कहते हैं इम्प्योर लाइम कहते हैं। वही शुद्ध चूने में जब हमारा 5% से ज्यादा हमारा क्या होता है इम्प्योरिटीज होती है, तो उस चूने को हम लोग क्या कहते हैं इम्प्योर लाइम कहते हैं। देन हमारा लास्ट आता है हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम में हम क्या करते हैं 5% टू 5% टू 30% क्ले, ठीक। जब हम अपने व्हाइट लाइन में 5% से 30% हम क्या करते हैं क्ले को ऐड कर देते हैं सीमेंट की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए, तो वो सीमेंट हमारा क्या कहलाता है हाइड्रोलिक सीमेंट कहलाता है। फैट लाइन का उपयोग हम किसमें करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए और प्लास्टर के लिए, ठीक। इम्प्योर लाइम का यूज हम लोग इंजीनियरिंग पर्पज के लिए नहीं करते हैं, जब हमारा सस्ता कुछ स्ट्रक्चर बन रहा होता है तब उसका हम लोग इम्प्योर लाइम का यूज करते हैं। देन आता है हमारा हाइड्रोलिक लाइम। तो हाइड्रोलिक लाइम का उपयोग हम लोग मैसनरी के लिए करते हैं, कॉन्क्रीटिंग के लिए करते हैं, प्लास्टर के लिए करते हैं, क्योंकि इन तीनों में जो स्ट्रेंथ के मुकाबले में सबसे अच्छा हमारा कौन सा होता है हाइड्रोलिक लाइम होता है, और प्योरिटी के मुकाबले में देखेंगे तो व्हाइट लाइम हमारा होता है। तो लाइम हमारे कितने टाइप के हुए, तीन टाइप के। पहला हमारा शुद्ध चूना जिसमें 95 या 97% हमारा क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसका उपयोग व्हाइट वॉशिंग या प्लास्टरिंग के लिए करते हैं। देन हमारा इम्प्योर लाइम आता है जिसमें 5% से ज्यादा अशुद्धियां होती है, जिसके इंजीनियरिंग पर्पस के लिए उपयोग में हम नहीं लाते हैं, बहुत ही रेयर केस में हम क्या करते हैं उसका यूज करते हैं। देन हमारा आता है हाइड्रोलिक लाइम जिसमें हम लोग शुद्ध चूना में 5 से 30% क्ले को मिक्स कर देते हैं, जिससे कि उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है इंक्रीज कर जाती है, जिससे कि उसको हम मैसनरी कॉन्क्रीट और प्लास्टर वर्क में क्या करते हैं यूज में लाते हैं। तो ये हमारे क्या थे टाइप ऑफ लाइम थे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने सीमेंट देख लिया, सीमेंट का टॉपिक हमारा खत्म हो गया, लाइम भी हम लोग का अप्रोक्स खत्म हो गया। लाइम में हमारा एक टाइप और बचा है उसका टेस्ट, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और साथ साथ टिम्बर को हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे अगले अपने लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।